सो गाइस फाइनली 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 आप सभी के लिए वो वीडियो आ चुकी है जिसका इंतजार आप काफी टाइम से कर रहे थे वीडियो एडिटिंग को लेके। तो गाइस फाइनली आज मैं आप लोगों को वो वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ जो आपका भाई खुद पर्सनली फॉलो करता है, कहां से वो कैसी क्लिप्स को लाता है, कहां से वो एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड को लाता है जो एक व्यूअर को अटेंशन ग्रैब करने के लिए मौका देती है। ऐसी एडिटिंग आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो गाइस स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों के पास माइक नहीं है तो भी आप मधुर सी आवाज कैसे निकाल सकते हो वो सारा कुछ ट्यूटोरियल आज की इस वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो एडिटिंग के साथ आपकी वॉइस भी एक नंबर ना बना दी ना तो आप कहना। आज की इस वीडियो में टोटली फुल्ली अपना तरीका रिवील करने वाला हूं और वो एडिटिंग आप लोगों को सिखाने वाला हूं जो पर्सनली खुद मैं फॉलो करता हूं, जिस एडिटिंग को देख के मेरी ऑडियंस जो है इतना ज्यादा एंगेज होती है तो आपकी क्यों नहीं होगी अगर आप मेरी तरह एडिटिंग करोगे। तो आज की इस मजेदार वीडियो को चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से एक हंबल रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक भी पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि भाई एक-एक जो तरीका मैं खुद यूज करता हूं वो मैंने खुद बताया है, ठीक है। और अगर आप मिस कर जाओगे तो आप वैसी एडिटिंग कर ही नहीं पाओगे। तो गाइस आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम लोग यूज करने वाले हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन का, मैं इसी से एडिट करता हूं अपनी वीडियो को और एक अच्छी खासी एडिटिंग लेवल यहां से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को गाइस स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें बता रहा हूं कहां से आप लोगों को बैकग्राउंड्स लेने जो व्यूअर अट्रैक्ट होते हैं जिससे सबसे ज्यादा, सब कुछ बता रहा हूं एकदम मधुर सी आवाज आपकी बनवा दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास माइक नहीं है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहां से आप एकदम आप आवाज कोयल जैसी आवाज यहां से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस हम लोग यहां पर जैसे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहां पर काफी सारे रेशियोज आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हो तो 9:16 आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हो तो 16:9 पे क्लिक करके आप यहां पर काफी सारे रेशियोज देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैंने 16:9 पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर गाइस आप लोगों को एक फाइल जो है अपनी सेलेक्ट कर लेनी है जिसको भी आप एडिट करना चाहते हो। तो गाइस मैंने यहां पर एक फाइल ले ली और मैंने यहां पर ये फाइल को ले आया यहां पर, ठीक है। यहां पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। उसके बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले मैं गाइस आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को चलिए वॉइस का बता देता हूं, ठीक है, कि आप लोगों को वॉइस किस तरीके से एकदम मक्खन सी वॉइस आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी देखने को वो किस तरीके से है, और आवाज आपकी अगर कम आती है आपके मोबाइल में तो बढ़ानी किस तरीके से। तो गाइस सिंपली इस फाइल पर हमको क्लिक करना है, यहां पर आप लोगों को वॉल्यूम वाला सिंबल दिखाई दे रहा होगा तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो गाइस यहां पर अभी आप देख सकते हो हमारी जो वॉइस है वो 100 पे सेलेक्ट है, ठीक है। इसे आप 200 तक लेके जा सकते हो, अपनी आवाज को तेज कर सकते हो। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो हमारी आवाज जो है काफी तेज हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहां से वॉइस को बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने बढ़ाना बता दिया, अब इस वॉइस को आपको स्मूथ किस तरीके से करना है तो सुनते चलिए। तो गाइस सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको एक चीज दिखते हैं यहां पर EQ यानी मतलब है इक्वलाइजर, ठीक है। इक्वलाइजर पर आने के बाद यहां पर आप लोगों को तमाम मोड्स दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि बास बूस्टर है, बास रिड्यूसर है, ठीक है, हिप हॉप है, जैज है। यहां से आप लोग अपनी वॉइस के हिसाब से यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं आप लोगों से यहां से सजेस्ट करना चाहूंगा आप लोग यहां पर ट्रेबल रिड्यूसर का यूज करना है, ठीक है। ट्रेबल रिड्यूसर का यूज करने से आपकी जो वॉइस है अगर फट रही है कहीं पे तो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक है। चलिए मैंने आप लोगों का वॉइस का यहाँ पर बता दिया। बाकी गाइस आप लोग यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करने के बाद क्लिप ग्राफिक्स भी काफी सारी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि रिमेंबर मी पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे आप लोग देखते होंगे मैं काफी सारे ये इफेक्ट्स को यूज करता हूं, इस तरीके से आप यहाँ पर इफेक्ट लगा सकते हो। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्लिप ग्राफिक का यूज करने से कितने अच्छी यहाँ पर स्मूथ एडिटिंग यहाँ पर दिख रही है, कितना अच्छा यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आप क्लिप ग्राफिक्स काफी सारे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफी सारे आप यहाँ पर इनके काइनमास्टर के स्टोर्स में देखने को मिल जाएंगे, तमाम तरीके के क्लिप ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, इमेजेस देखने को मिल जाएंगी, टेक्स्ट देखने को मिल जाएंगे, तो सारा कुछ यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हो, ट्रांजिशन वगैरह सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब गाइस आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर काफी सारे लोग इन क्लिप्स को यूज करते हैं, जैसे कि फिल्मी सीन हो गया तो यहाँ पर फिल्मी सीन बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिप ग्राफिक्स लगा सकते हो। अब गाइस आप लोगों को ट्रांजिशन इफेक्ट किस तरीके से लगाने वो भी मैं लगाना बता देता हूँ, और ये भी चीज मैं कई सारी चीजें लगाता हूँ, ठीक है। और गाइस अभी आप लोग बने रहिए क्योंकि अभी आप लोगों को मैं वो बैकग्राउंड्स बताने वाला हूँ जो पर्सनली खुद मैं यूज करता हूँ जिनसे काफी ज्यादा अट्रैक्शन व्यूअर का बढ़ता है मेरी वीडियो की तरफ, ठीक है। तो वो जरूर सुन के जाना, अब मैं बताने वाला हूँ बहुत जल्द, सुनिए। तो गाइस यहाँ पर आप लोग ट्रांजिशन के लिए मैं एक्सेलरेशन का यूज करता हूँ सबसे ज्यादा, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में अक्सर कर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं यहीं से लगाता हूँ वो, इस तरीके से आप लगा सकते हो। इसके भी काफी सारे इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। 3D टाइप के मिल जाएंगे, एक्शन मिल जाएंगे आप लोगों को, एनालॉग मिल जाएंगे, कलर काफी सारे हैं यार, एक बार देखो इनको यूज करो, अगर आपको मिल रहे हैं यूज क्यों नहीं करते हो, ठीक है। अब मैं गाइस आप लोगों को मेन चीज बता दे, देखो वॉइस का मैंने आप लोगों को बता दिया, ट्रांजिशन इफेक्ट बता दिया, क्लिप ग्राफिक्स बता दिया, ठीक है। अगर गाइस आप लोगों की वीडियो में क्वालिटी नहीं आ पा रही है, जैसे कि आपकी वीडियो काली काली सी आ रही है, ठीक है, अच्छी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, तो उसका आपको एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है।
तो गाइस एडजस्टमेंट के लिए आप यहां से अपनी वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। 2x में करना चाहते हो, 1x में करना चाहते हो, 3x, कई सारी वीडियोस होती है ना जिनके आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो, तो यहां से आप लोग बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को एडजस्टमेंट बता देता हूं। जैसे आप लोग एडजस्टमेंट पे क्लिक करोगे तो यहां पर आप लोग ब्राइटनेस सेलेक्ट कर सकते हो अपनी, ठीक है। बाकी यहां पर कॉन्ट्रास्ट वगैरह, सैचुरेशन, वो आप अपने वीडियो के हिसाब से कर सकते हो जैसे कि आपको स्मूथ लगे, ठीक है। तो गाइस ये आप लोगों को मैंने बता दिया। चलिए अब मैं आप लोगों को वो बैकग्राउंड्स बताता हूं जो पर्सनली मैं खुद यूज करता हूं, और कहां से वो बैकग्राउंड लाता हूं और कहां से वो इफेक्ट्स लाता हूं। गाइस आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके के इफेक्ट आप लोगों को स्क्रीन पर अभी दिख रहे होंगे, ये इफेक्ट्स मैं कहां से लाता हूं, सुनिए, काइन मास्टर से ही लाता हूं, सब चीज बता रहा हूं, सुनते चलिए। तो गाइस वो एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड मैं लाता हूं pexels.com से। सिंपली आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, आने के बाद यहां पर आप लोगों को एक चीज डालना है, क्या डालना है सुनते चलिए, एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, आप लोगों ने ये डाल दिया। सिंपली गाइस जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे यहां पर आप लोगों को तमाम फोटोज मिल जाएंगे, हम लोगों को जाना है वीडियोस पर। सिंपली गाइस हम लोग वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहां पर देख सकते हो तमाम तरीके के एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यहां से आप लोगों को कोई भी इनका कॉपीराइट का इशू नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये यहां पर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इस पर क्लिक किया तो आप लोग यहां पर देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है फ्री टू यूज, आप इनको फ्री में यूज कर सकते हो, और यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है यूट्यूब वीडियो के लिए आप फ्री में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो कितना स्मूथ यहां पर एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड हमको देखने को मिल गया फ्री में। तो गाइस मैं यहीं से लेता हूं एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड, वो सारे जो मेरी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, काफी सारे यहां पर फ्री में देखने को मिल जाते हैं, तो आप यहां से ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को गाइस बता देता हूं, ये तो मैंने लेना बता दिया आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड, अब आप लोगों को यहां पर करना क्या है, कैसे यूज करना है और कैसे वो इफेक्ट्स लगाने। तो सुनिए गाइस मैं करता क्या हूं, यहां मीडिया पे जाने के बाद, इमेजेस पे जाने के बाद मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया, ठीक है। ब्लैक को हम लोग यहां पर कर लेते हैं ऑल पर सेलेक्ट, और उसके बाद गाइस यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, ओपेसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। ओपेसिटी हमने कम कर दी, उसके बाद गाइस यहां पर आप लोगों को एनिमेशन है वो फेड कर देनी है, जैसा भी आप रखना चाहते हो वो यहां से आप कर सकते हो। मैं अपना ट्यूटोरियल बता रहा हूं मैं क्या यूज करता हूं, और प्लीज आप लोगों से हंबल रिक्वेस्ट है आप लोग भी इसी तरीके से एडिटिंग किया करो ताकि यार व्यूअर एंगेज हो पाए आपकी वीडियो से ज्यादा उस पर एंगेजमेंट दे पाए और आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियस बात है आपकी वीडियो रिकमेंड आगे की जाएगी, ठीक है। तो गाइस ये यहां पर मैंने स्मूथ इफेक्ट लगा दिया, अब आप देख सकते हो धीरे धीरे यहां पर ब्लैक हो रहा है, तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिंग, काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है, ठीक है। अब यहां पर टेक्स्ट किस तरीके से ऐड करना है, तो टेक्स्ट पर सिंपली गाइस हम लोग क्लिक करेंगे और यहां पर चलिए मैं डाल देता हूं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के लिए मैं डाल देता हूं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं मैंने यहां पर डाल दिया। अब गाइस यहां पर डालने के बाद आप चाहते हो ये तो फॉन्ट नॉर्मल है, हमको फॉन्ट भी अच्छा करना है, तो गाइस यहां पर AA वाला ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहां पर तमाम सारे आपको फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो वो आप सेलेक्ट यहां पर कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर कलर दे सकते हो, पीला देना चाहते हो पीला कर दो, इसके ऊपर आप ब्लेंडिंग चलाना चाहते हो तो ब्लेंडिंग वगैरह वो सारी कुछ आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स आपको यहां पर फ्री में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस यहां पर आप लोग चाहते हो कि इस पर स्ट्रोक भी चढ़ जाए तो आउटलाइन आप चढ़ा सकते हो, ब्लैक कलर की चढ़ाना चाहते हो ब्लैक सिंपली सेलेक्ट करो और यहां पर ये कितना बढ़ाना चाहते हो तो आप यहां पर बढ़ा सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों को गाइस यहां पर बैकग्राउंड वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बैकग्राउंड चढ़ाना चाहते हो तो बैकग्राउंड भी आप यहां पर चढ़ा सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आप साउंड इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। आप लोग पूछते हो भाई साउंड इफेक्ट्स कहां से लाते हो, तो मैं बता देता हूं, तो क्या सिंपली उसके लिए ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, SFX आप लोगों को दिख रहा है ना, यही होता है साउंड इफेक्ट। यहाँ पे आप लोगों को कई सारे इनके स्टोर में देखने को मिल जाते हैं, तो सिंपली इस पे क्लिक करिए। यहाँ पर आप लोगों को गाइस देख सकते हो दूसरे नंबर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर साउंड इफेक्ट कितने सारे दे रखे हैं, देखो यार ऑडियंस का रेस्पॉन्स वाले साउंड इफेक्ट है, ठीक है। कार सिलेक्शन, कार्टून, यहाँ पर डोर सीरीज, फैंटेसी फिल्म, बहुत सारे हैं यार, यूज कर सकते हो यहाँ से, लो यहीं से मैं यूज करता हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो मेनली है ना वो यहीं से सारे मैं यूज करता हूँ। बाकी आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो सॉन्ग्स पर सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक अपने वीडियो का लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पर इफेक्ट लगाने का। आप लोग कहते हो भाई ब्लर इफेक्ट किस तरीके से लगाते हो, तो यहाँ पर बेसिक इफेक्ट में आने के बाद गॉसियन ब्लर आपको देखने को मिल जाता है, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो आप ब्लर का यहाँ पर इफेक्ट बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ब्लर का इफेक्ट बढ़ाने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा ब्लर हो जाएगा। तो सिंपली मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा 3 या 4 तक रखा करो, स्मूथ लगता है, काफी ज्यादा मस्त लगता है, ठीक है। तो यहां से आप लोग ब्लर इफेक्ट को भी लगा सकते हो, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब गाइज आप लोगों को देखना होगा यहाँ पर स्टिकर्स का फंडा। आप लोग मेरे से पूछते हो भाई स्टिकर कहाँ से लगाते हो, तो यहाँ से लगाता हूँ। देखो भाई स्टिकर पे सिंपली आने के बाद इनका यार एसेट यूज करो यार, एसेट स्टोर में इतने सारे इफेक्ट दे रखे हैं ना, मैं यही पर्सनली मैं किसी ऐप पर जाता ही नहीं हूँ, काइन मास्टर ही बेस्ट है यार अपने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं यार, इनका यूज किया करो। वीडियो को जितना ज्यादा एंगेजिंग बनाओगे ना उतना ज्यादा एंगेज होगी ऑडियंस आपसे, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करनी है और कितने यहाँ पर बिटरेट को सेलेक्ट करना है, काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हूं 1080 पिक्सल 30 फ्रेम रेट पे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो और यहां पर बिट रेट मैं थोड़ा सा हाई रखता हूं ताकि क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी आ सके, और यहां पर मैं 1080 में यहां पर निकालता हूं अपनी वीडियो को, तो क्वालिटी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बाकी आपके ऊपर नेट के ऊपर डिपेंड रहता है और आपकी एमबी पर डिपेंड रहता है कि आप कितने एमबी तक की वीडियो यहां पर निकाल लो, ठीक है। 720
में निकाल सकते हो 540 में। बाकी आप 1080 और 60 फ्रेम रेट पे भी आसानी से निकाल सकते हो। बाकी ये 4K सपोर्टेड भी है, तो मैं 4K में भी वीडियो को आसानी से यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो गाइस यही था आज का एडिटिंग ट्यूटोरियल, कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो फिल्मोरा का भी एडिटिंग ट्यूटोरियल लाऊं, तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता देना, वो भी मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा और एकदम प्रो लेवल की एडिटिंग आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है, तो गाइस यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मैं इस चीज का वेट कर रहा हूँ। और गाइस अगर आप लोगों के व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं तो ऊपर वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना, आप लोगों के व्यूज डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। ठीक है, और गाइस अगर आप लोगों को सब्सक्राइबर बेस नहीं बढ़ रहा है तो नीचे वाली वीडियो को तो जरूर चेकआउट करना। तो चलिए मिलता हूँ ऐसे किसी अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।